पब्लिक टीवी आपकी आवाज। असित मल्होत्रा हाय 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 हाय। असित मल्होत्रा हाय 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 हाय। असित मल्होत्रा हाय हाय हाय। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी के गेट पर कुछ लोग अपने हाथों में फोटो और पोस्टर लिए अलग ही तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पॉश एरिया में बनी इन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि कुछ लोग ज्यादा पैसों के लालच में अपने मकान मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को बेचकर सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे हैं। अभी दो दिन पूर्व ही एक व्यक्ति चुपचाप अपना मकान बेचकर दूसरी जगह रहने पहुंच गया, जिसका विरोध करने के लिए लाजपत नगर समिति से जुड़े लोग सुबह से आकाश मेघदूतम मल्टी स्टोरी के सामने धरने पर बैठ गए। इन्होंने मकान बेचने वाले अक्षत मल्होत्रा नाम के व्यक्ति को जयचंद की संज्ञा देते हुए उसका नामकरण कर दिया और उसका फोटो हाथ में लेकर उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये उसी लाजपत नगर इलाके के लोग हैं जहां पर दो महीने पहले एक साथ 81 हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन के बैनर पोस्टर लगा दिए थे, क्योंकि उस समय दो मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिए गए थे। इनके अनुसार वो अब वापसी की कगार पर है। लाजपत नगर विकास एवं सेवा समिति ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हैं। लाजपत नगर के पूर्व निवासी, जो कि पूर्व में अपने परिवार सहित लाजपत नगर में रहते थे, ऐसे असित मल्होत्रा जी जो कि पिछले 35 और 40 वर्षों से लाजपत नगर में रह रहे थे। हमने पिछले दिनों सभी लाजपत नगर वासियों ने एक प्रण लिया था कि हम कोई भी व्यक्ति अपना मकान या अचल संपत्ति किसी भी गैर संप्रदाय के व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। उन्होंने चोरी छुपे तथ्यों को गुमराह करके अपना मकान गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। उन्होंने अपने प्रण को तोड़ा है और हमें लाजपत नगर के निवासियों को एक मझधार की स्थिति में छोड़कर यहाँ पर रहने आ गए हैं। हम यहाँ पर आकाश मेघदूतम में उनके घर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से, शांति मेघदूतम के लोगों से हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि हमें मझधार में छोड़ के आए हैं, जो 35-40 साल वहाँ रहे हैं, वो आगे भी आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे ताकि आप लोग भी यहाँ पर उसका सामाजिक बहिष्कार सक सको। हमारा जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति लाजपत नगर में अपनी चल और अचल संपत्ति, अपना मकान किसी भी गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेचेगा, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, भले उसका परिणाम कुछ भी। तो अब ये प्रोटेस्ट करने के बाद में क्या मैसेज कन्वे करने का? हम मैसेज यही कन्वे करना चाहते हैं कि लाजपत नगर वासी, जो लाजपत नगर का हिंदू समाज है, डरे नहीं, वहाँ रहे, शान से रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग साथ हैं। कितने मकान उन्होंने दूसरे समुदाय को उधर बेच दिया? काफी मकान वहाँ बिक चुके हैं, लेकिन ये रिसेंटली एक मकान अभी बिल्कुल अभी परसों ही एक रजिस्ट्री हुई है इस मकान की। ये समझिए आप, सैटरडे के दिन ये रजिस्ट्री हुई है और जैसे ही हमें पता चला हम रजिस्ट्री ऑफिस भी गए, लेकिन वहाँ कोई हमें विशेष सफलता नहीं मिली और उसका हमने दूसरा तरीका निकाला विरोध करने का कि उसके घर के बाहर जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और वहाँ के निवासियों को बताएं कि जैसे ही हम लोगों को मझधार में छोड़ के आया, कल को या मेघदूतम में रह रहे आप लोगों को गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच के भाग जाएगा, जिससे कि आप लोगों को रहने में दिक्कत आएगी। तो हम लोग इसी उद्देश्य के साथ यह प्रोटेस्ट कर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।